रॉयल्टी के बारे में आप सब जानते हैं। रॉयल्टी बेसिकली क्या होती है, देखिए द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट, द टर्म रॉयल्टी रेफर्स टू द पीरियडिक पेमेंट्स बेस्ड ऑन आउटपुट और सेल फॉर द यूज ऑफ अ स्पेसिफिक असेट और राइट लाइक माइंस, कॉपीराइट और पेटेंट्स टू इट्स ओनर। द पर्सन हु मेक्स अ पेमेंट टू द ओनर ऑफ द असेट इन एक्सचेंज फॉर द राइट टू यूज हिज असेट इज नोन एज लीजी एंड द ओनर ऑफ द असेट टू होम द पेमेंट इज मेड इज नोन एज लैंडलॉर्ड। मतलब दो पार्टीज होती हैं, लैंडलॉर्ड और लीजी, कि जहां पर असेट का एक्सचेंज किया जा रहा है, असेट की ओनरशिप किसी और के पास होती है और उसका यूज करने का राइट किसी दूसरे पर्सन को मिलता है, उसके एक्सचेंज में जब वो पर्सन ओनर है वो अपने से दूसरे को दे रहा है तो उसके एवज में जो वो रिसीव कर रहा है द अमाउंट और द सम इन द फॉर्म ऑफ मनी, नॉर्मली कंसीडरेशन नॉर्मली मनी के टर्म्स में हम यहाँ पर काउंट करते हैं, तो उस टर्म को हम बोलते हैं रॉयल्टी। दो चीजें हैं यहाँ पर भी, रॉयल्टी रिसीवेबल और रॉयल्टी पेबल, किसके बिटवीन, दो पार्टीज के बिटवीन, जिसको हम बोलते हैं लैंडलॉर्ड और लीजी। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, देयर आर थ्री पार्टीज ऑफ रॉयल्टीज, थ्री टाइप्स ऑफ रॉयल्टीज। फर्स्ट है माइनिंग रॉयल्टी, पेटेंट रॉयल्टी एंड कॉपीराइट रॉयल्टी। माइनिंग रॉयल्टीज कौन सी होती है, जो माइन से रिलेटेड होती है, जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज की एक्सट्रैक्शन होती है। नेचुरल रिसोर्सेज नॉर्मली हमारा क्या हो सकता है, क्रूड ऑयल हो सकता है, मिट्टी की खाने जहां से हम रेत निकालते हैं जो कंस्ट्रक्शन में काम आता है। सेकेंड वन इज पेटेंट रॉयल्टी। पेटेंट क्या होती है, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट, पेटेंट्स, जो हम पर्टिकुलरली कोई भी असेट जिसको हम बना रहे हैं, माइट बी ए बुक हो सकती है, उसको हम अपने नाम से रिजर्व करा लें। कोई एक नई असेट, कोई एक नई चीज जिसको हमने अपने आप से बनाया है, माइट बी कोई इंजीनियरिंग गुड्स जिसको हमने अपने आप से अपने नाम से पेटेंट करा लिया। फॉर एग्जाम्पल कई बार मैं बात करती हूँ अंग्रेज मसाले हैं जैसे, तो उसमें क्या है, उस कंपनी का जो नाम है वो लोगो या फिर वो हॉलमार्क जो पर्टिकुलरली उस एमडीएच कंपनी के नाम से ही आएगा, कोई दूसरी कंपनी उसको यूज नहीं कर सकती है। हिंदुस्तान लीवर के प्रोडक्ट्स हैं तो उस पर एचपी ही लिखा आता है, या हिंदुस्तान पेट्रोलियम है तो एचपी लिखा आता है उसमें। हिंदुस्तान लीवर के प्रोडक्ट्स होते हैं ग्रीन मार्क से आते हैं सारे के सारे। तो थर्ड वन इज कॉपीराइट रॉयल्टी। कॉपीराइट रॉयल्टी कि जहां पर आपके पास कॉपीराइट्स रिजर्व होते हैं, आपके ओनरशिप में होते हैं, जब तक आप उसको ना चाहे दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते या फिर दूसरा पर्सन उसको जब तक यूज नहीं कर सकता जब तक कि आपकी परमिशन ना हो। बीइंग द ओनर यू हैव ऑल द राइट्स टू रिजर्व दीज असेट्स, और अगर आपकी ये असेट्स है तो आप इन सारी की सारी असेट्स को यूज करेंगे और दूसरे को ट्रांसफर नहीं करेंगे अनटिल एंड अनलेस ही विल पे यू सम अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ मनी।